ऊपर से बाल जड़ रहे हैं वो भी हम नोटिस कर सकते हैं। और ये सीन तीनों को सुसु कर रहा था। चलो गाइस, हमारे साथ हो चुका है पोपट क्योंकि हम मेन सोनामर्ग में आ गए रहते हैं, लेकिन उनको बात करने का बिल्कुल भी तमीज नहीं। चलो कोई बात। तो गाइस, इसने मेरे डर से पूरा चौक हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। स्वागत है मेरे नए व्लॉग में। तो आज का दिन हो चुका है शुरू, हमारा पहला दिन है श्रीनगर में। तो जैसे कि आप देख सकते हो, सुबह से पड़ रही थी बारिश, मैंने बनाया और मेरा हेयरस्टाइल सच में उस भाई ने बनाया। अगर अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में बता दो। तो फिलहाल अभी सुबह से पड़ रही थी बारिश, मौसम अब बिल्कुल अच्छा हो चुका है, लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा हो गई थी। लेकिन हुड्डी ले ली हमने जाके, पहला काम हमने हुड्डी लेने का ही किया है। और फिलहाल अभी निकल रहे हैं हम सोनामर्ग के लिए। सारे लोंडे सारे इकट्ठे हो चुके हैं, यहाँ देख सकते हो आप, सारी गाड़ियाँ सारे बैग्स वगैरह पैक हो रहे हैं। तो फिलहाल अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं सोनामर्ग के लिए। तो जो जो आया सबसे मैं आपको मिलाता हूँ पहले, उसके बाद हम मिलते हैं। तो गाइस, ये हमारे डीजे भाई भी सुबह आ गए थे। तो कैसा लगा श्रीनगर में आके? मौसम अच्छा है। तो एक बात मैं बता दूँ, जब हम ये प्लान बना रहे थे, हमने डीजे भाई को बोला, यार डीजे हमने जाना है श्रीनगर, तो ट्रिप है, हमने ऐसे प्लान किया। तो इसने बोला मेरे पास पासपोर्ट नहीं है। इसको लग रहा था कि श्रीनगर किसी और इलाके में पड़ता है। चलो कोई नहीं, आप बताओ कैसा फील कर रहे हो आप आके? जम्मू में गर्मी थी, यहाँ पे ठंड है भाई। यहाँ पे ठंड है। और ये हमारे राधे भाई, कैसा फील कर रहे हो आप? यार हम तो वैसे भी सर्द इलाके के, हमारा क्या फर्क। और ये हमारे दावर भाई अनंतनाग से। दावर भाई कैसा लगा हमारे पागलों के बीच में रह के? ठीक। हाँ, उठ गया तू? ये हमारे इरफान भाई, सब जानते हो। और ये हमारे लेजेंडरी, हमारे चहीते शाहरुख, सल्यूट। यस, शाबाश। तो अभी हम अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या क्या सीन चल रहा है अंदर। चश्मा उतार देते हैं। क्या है तेरे को? मांगा हुआ डाला हुआ ना, उतरता नहीं है। हमारे आरिश भाई जिन्हें हमको लाया यहाँ पे, इनका बर्थडे है, यहाँ पे सेलिब्रेट करना है। और ये इनको कोई तारीफ की जरूरत नहीं है। हेलो, हाय गाइस। ले कर ले, बेइज्जती नहीं होनी चाहिए तेरी। लास्ट पे मैं जिस पर्सनैलिटी से आपको मिलाना चाह रहा हूँ, जो मैं कुछ नहीं बोलूंगा, इतनी खूबसूरत लड़की, इतना नूर चेहरे से टपकता है, खुद ही देख लो आप। ओह ओह। तो गाइज, आप अगर नोटिस कर रहे हो उसके सर के ऊपर से बाल जड़ रहे हैं, वो भी आप नोटिस कर सकते हैं। और ये है रिया, बेशरम रिया बोलते हैं हम इसको। इससे मिल, आपने पहले भी मेरा एक व्लॉग में आई थी, लेकिन वो व्लॉग मजबूरन चढ़ा नहीं। बहुत अच्छा व्लॉग था, बस आता तो अभी तक तो यूट्यूब वालों ने परमिशन नहीं दी उसको। तो कोई बात नहीं, चलो अभी हम सबसे मिला दिया मैंने आपको, तो निकलते हैं। और ये अपनी मुंडीर है, बिल्कुल जोश में खड़ी हुई है। डीजे भाई मेरे को, तेरे को क्या हुआ है? मिर्गी का दौरा पड़ा है। चमड़े की चप्पल सुंघाओ इसको। तो यहाँ से निकलते हैं हम सोनामर्ग के लिए, फिर वहां पे रास्ते में देखते हैं क्या क्या सीन रहता है। तब तक के लिए बाय। गाड़ियां हो चुकी है रेडी हमारी सारी, तो सारे लोंडे हैं जोश में। तो फिलहाल हम निकलते हैं यहाँ से सोनामर्ग के लिए। तो रोड में कुछ होगा एक्साइटिंग, वो तो हो गई, आप हमारे साथ जा रहे हो तो वो तो हो गई। तो मिलते हैं गाड़ी में। आड़ दो आड़ दो आड़ दो। और ये हमारी गाड़ी। तो गाइस, फिलहाल पहुंच चुके हैं हम यहाँ पे गांदरबल के पीछे ही थोड़ी सी जगह, और यहाँ से थोड़ा खाने का सामान ले लिया हमने। और फिलहाल जो एक गाड़ी थी वो हमारी आगे निकल गई है, यूएस वाली, और बाकी आरिश और ये फरमान जो हमारी गाड़ी थी, हाँ यूएस आगे है। तो फिलहाल हम यहाँ पे रुके हुए हैं, थोड़ा खाने का सामान रात के लिए ले लिया, तो अब निकलते हैं यहाँ से। बाकी डीजे भाई, आपका पहला एक्सपीरियंस है कश्मीर का मेरे साथ, मेरे साथ, तो क्या कहना चाहोगे? जैसी जगह है कोई है? हाँ चले, चले। तो फिलहाल अभी निकलते हैं गाइस यहाँ से, तो फिर मिलते हैं आगे, आगे का सीन बताते हुए। ओके बाय आदि। भाई हम कश्मीर में हैं। कश्मीर में भी है। ये तो गोरा आ रहा है। तो गाइस निकलते हैं अभी यहाँ से, तो फिर मिलते हैं आगे जाके। तो गाइस चेक करो यार, पहुंच चुके हैं हम वादियों में, और ये सीन चेक करो। तो फिलहाल अभी बहुत मुश्किलों के बाद हम सोनामर्ग एंटर कर चुके हैं मेरे हिसाब से, और ये व्यू चेक करो यार, इसी के पैसे हैं यार, इसी के पैसे, और किसी चीज के पैसे नहीं है। और बाकी जो है अभी तक तो फिलहाल मजा ही आ रहा है, क्योंकि सारू में जोश भरा हुआ है घूमने का, पहाड़ों का,
चोरी चोरी कुछ चोरी नहीं की हमने, चलो कोई बात चारी बोल रहा तो कोई बात नहीं। फिलहाल अभी हम निकल गए हैं, मजा ही आ रहा है, लेकिन उवैस भाई जो है कुछ ज्यादा ही तेज जा रहे हैं, आगे निकल गए। फिलहाल अभी हमारे साथ ये हरीश भाई की गाड़ी और ये खेत हमारे साथ चल रहे हैं और ये बादल भी। तो गाइस इस व्यू ने हमें यहाँ पे रोकने पे मजबूर कर दिया है, सॉरी झूठ बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे तीनों को सुसु कर रहा था। चलो कोई बात नहीं, लेकिन ये जो लोकेशन है ना यार, बहुत प्यारी लोकेशन है, बहुत प्यारी लोकेशन है यार, चेक करो। और फिलहाल अभी हम यहाँ पे रुकी गए हैं क्योंकि व्यू का मजा लेना था और हल्का भी होना था थोड़ा, तो फिलहाल अभी आगे जाएंगे, आगे मिलते हैं आपसे। और ये जो रोड के साइड जो ये रिवर चल रही है ना यार, ब्यूटीफुल यार, सही कहते हैं लोग, अगर जन्नत कहीं है तो वो कश्मीर में ही है भाई, बाकी सब पानी कम चाहेंगे, कहीं भी नहीं मिलेगी ऐसी ब्यूटी यार, कहीं भी नहीं मिलेगी। फिलहाल ये तो बस ट्रेलर है गाइज, आगे आगे देखो होता है क्या, इससे भी खूबसूरती, इससे भी ज्यादा खूबसूरत चीजें हम दिखाएंगे आपको। चल तू सबदा, चल तेरा कोई न, चला गली गल रुलदा तेरे, चला की लबदा फेरे, चला की लबदा फेरे, यारो दा कर केड़ा। तो गाइज कुछ इस तरह की लोकेशन पे अभी हम पहुंच गए हैं, तो ये चेक करो यार, क्या बात है यार। और ये देखो ये स्नो ग्लेशियर्स, यहाँ से थोड़ा थोड़ा पानी करके यहाँ से नीचे आता है, और ये जो है यार ये चेक करो, बहुत प्यारा व्यू है यार, बहुत प्यारा व्यू है। तो फिलहाल अभी निकलते हैं ऊपर के लिए, ऊपर जाके मिलते हैं आप। गाइस ये ग्लेशियर चेक करो यार, ये तो बिल्कुल सामने आ गया, और इससे पानी देखो कैसे पिघल के नीचे आ रहा है। और गाइस एक बात बता दूं, इस पानी का फ्लो इतना ज्यादा है मैं बता भी नहीं सकता। सलमान भाई थोड़ा कर लो, पानी का फ्लो चेक करो यार, पानी का फ्लो चेक करो बहुत। और गाइस इतनी ज्यादा ठंड हो रही है मैं आपको बता भी नहीं सकता, लेकिन फिर भी मैं बाहर निकला हूँ शॉर्ट्स देने के लिए। क्या बोलना चाहते हो आप, ऐसा वसूल है, बाकी क्या बोल रहे हो। तो गाइज हमारे साथ हो चुका है पोपट, क्योंकि हम मेन सोनामर्ग में आ गए थे, लेकिन आरिश भाई ने फोन करके बोला कि यार 9 किलोमीटर पीछे है, अब दोबारा मेन सोनामर्ग से हम दोबारा नीचे जा रहे हैं 9 किलोमीटर, वहां पे आज का हमारा स्टे है उस रिजॉर्ट में, बदर रिजॉर्ट करके है। तो फिलहाल अभी हम वहां पे जाते हैं, पहुंचते हैं, उनसे मिलते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड हो रही है यहाँ पे। अच्छा किया कि हमने हुडी वगैरह ले ली थी, तो लेकिन ये व्यू चेक करो पीछे यार। तो गाइज हम अभी सोनामर्ग चढ़े थे ऊपर, लेकिन दोबारा नीचे आ रहे थे, तो लेकिन पुलिस वालों ने रोक लिया, उन्होंने बोला कि वापस नीचे नहीं जा सकते, अब हमारा रिजॉर्ट नीचे तो हम कैसे नीचे जाएंगे। तो फिलहाल यहाँ से इन पे बात करते हैं, तो देखते हैं क्या सीन रहता है क्या नहीं। तो गाइज ये छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे हैं यार, पता नहीं क्या मसला है, 1 किलोमीटर दूरी तो है यहाँ पे यार बदर रिजॉर्ट, फिर भी नहीं छोड़ रहे, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा ऊपर से फोन शोन करवा देते हैं, लेकिन इनको बात करने का बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है। चलो कोई बात नहीं, ESP रैंक के फिर भी इतनी हाई पोस्ट में, लेकिन फिर भी बात करने की तमीज़ नहीं इनको, चलो कोई बात नहीं, अभी खुद छोड़ेंगे। तो गाइज लोकल, जो लोकल गाड़ियाँ उनको छोड़ रहे हैं, लेकिन जो टूरिस्ट है उनको परेशान कर रहे हैं यहाँ पे, जो टूरिस्ट लोगों को उनको परेशान कर रहे हैं, जो लोकल है उनको छोड़ रहे हैं, तो इनका इसका क्या मतलब बनता है। वैसे हम भी जम्मू से हैं, जो लोकल है इनके साथ भी काफ़ी बदतमीज़ी की इन्होंने, सबके साथ बदतमीज़ी कर रहे हैं। फाइनली बहुत मुश्किलों के बाद हम पहुंच चुके हैं अपने रिजॉर्ट पे, तो बहुत ज़्यादा थक गए हैं अभी, क्योंकि पुलिस वालों ने बहुत मगजमारी कर दी हमारे साथ। तो फिलहाल अभी जाते हैं बाकी लोगों से मिलते हैं अंदर, और ये है हमारा रिजॉर्ट, चलते हैं अंदर। तो गाइस थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद मुझे कुछ ये मिला, और ये देखो जो मिला, क्या मिला, व्यू चेक करो। ये वो लड़के हैं जो यहाँ पे लेमन टी पी के अपने आप को एस्थेटिक बताते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसको इग्नोर करो, फिलहाल अभी हम यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, क्योंकि व्यू बहुत ज्यादा अच्छा है। तो सारे लोंडे देख सकते हैं, सारे लोंडों को दिखाओ यार, सारे लोंडों को दिखाओ,
सारे लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं। वाह, तो अभी फिलहाल अभी का प्लान ये है कि कुछ खा लेते हैं और जब थोड़ी शाम हो जाएगी तो बॉन फायर करेंगे, फिर डिनर करेंगे, मजे करेंगे। तो चले मिलते हैं फिर अगले सीन पे। तब चेक करो यार, हम यहाँ पे सारे बैठे थे लेकिन आरिश देख सकते हो अपने रिलेटिव से मिलने गया, वो गाड़ी चल रही है वहाँ पे। आरिश जल्दी आ। तो चलो जब आरिश आता है उससे बातचीत करते हैं, लेकिन अभी फिलहाल अपने अपने रिश्तेदारों से मिलने में बिजी है। देख सकते हो पूरा पूरे रिश्तेदार है लाइन में चल रहे हैं। कोई बात नहीं, हम व्यू एंजॉय करते हैं। क्या डीजे भाई? ठीक है भाई। ओके, तो गाइज अभी फिलहाल हम आए हैं लॉन में, तो ये हमारा पीछे है रिजॉर्ट। तो फिलहाल अभी हम यहाँ पे थोड़ा चिल करेंगे, क्योंकि यहाँ का जो आगे का व्यू था ना, पहले मैंने दिखाया आपको ऊपर से, अब मैं नीचे से दिखाता हूँ, क्योंकि बहुत ब्यूटीफुल यार, मतलब पैसा वसूल व्यू है। इतना प्यारा व्यू है ना यार, मैं बता भी नहीं सकता हूँ। सबको यहाँ पे एक बार आना चाहिए बदर रिजॉर्ट में, क्योंकि बहुत अच्छा व्यू है। साइड लोकेशन है, प्राइवेसी है, पीस है, ना शोर शराबा कुछ भी नहीं है। और व्यू को तो छोड़ो ना, व्यू तो आपने देख ही लिया होगा पूरे व्लॉग में। तो फिलहाल अभी देखते हैं यहाँ पे क्या सीन रहता है। लेकिन जो भी था, हमें लग रहा था यार पुलिस वालों ने ऊपर रोक दिया था, हमें लगा था आज इधर ही रात बितानी पड़ेगी, लेकिन कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है जैसे कि आपको पता है। तो चेक करो यार, दिखा देता हूँ, चेक करो। रिजॉर्ट का व्यू चेक करो, ये हमारा रिजॉर्ट। तो फिलहाल अभी चलते हैं नीचे, मिलता हूँ फिर आपसे। तो गाइज इस रिवर का शोर इतना ज्यादा है कि मेरे को अपनी आवाज भी सुनाई नहीं दे रही है। पता नहीं आपको सुनाई दे रही होगी नहीं दे रही होगी, लेकिन ये रिवर का फ्लो चेक करो, कितना ज्यादा फ्लो है। तो गाइज इसने मेरे डर से पूरा चॉकलेट मुंह में डाल दिया। मुगल, मुझे चॉकलेट खाना है, मुंह से निकाल जल्दी, मुझे निकाल, मुझे निकाल, चॉकलेट निकाल मुझसे। तो गाइज ये देख सकते हो अभी हम डिनर पानी ये उबला हुआ पानी खास रिया के लिए। भूख लगी क्योंकि सुबह से कुछ नहीं खाया है। ये चने बनाए, चने घोड़ा को नहीं। जाहिद आपकी खुराक किधर है? अच्छा आपकी खुराक किधर है? अच्छा तो गाइज फिलहाल शाम का व्यू ऐसा है, बॉनफायर का सोचा था लेकिन हल्की हल्की बारिश पड़ रही है, तो कोई बात नहीं। फिलहाल अभी ओएस भाई भी आ गए। ओ भाई 18 इंच डोला मैन ताए मंगदा, क्या बात है। और ये फरमान भाई, बाकी सारे अंदर बैठे हुए हैं, लेकिन कुछ नहीं यार, मजा है, लाइफ की चस बज रही है, चस बज रही है लाइफ की। तो कोई बात नहीं, अभी फिर से सारे बाहर आएंगे, बैठेंगे, गपशप लगाएंगे, कैप्चर करेंगे मोमेंट्स, क्योंकि बार बार तो ये दिन आते नहीं है। तो चलो मिलते हैं बाद में। तो गाइस बहुत सारा एंजॉय किया, बहुत सारा मज़ा किया, डिनर किया, ऊपर आ गए, एंजॉय किया, बैठे बालकनी में थोड़ा बाहर। फ़ोन डेड हो गया था, अभी चार्ज करके दोबारा एंड शूट करना था। तो मिलते हैं कल के न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।